G20 समिट और लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पहुंच चुकी है और लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। और कितना मायने है G20 समिट का, भारत को आने वाले समय में क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से छवि उभर कर आएगी भारत की, ये भी जानने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र कुमार ओझा जी विदेश एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप किस तरीके से समिट को देखते हैं, आने वाले समय में भारत को इससे क्या फायदा होगा और दुनिया में भारत की जो छवि है वो किस तरीके से उभरेगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत कभी भी अपने निजी फायदे के लिए सोचता ही नहीं है। भारत का हमेशा एक स्वप्न है कि कैसी दुनिया हो जिस दुनिया में सारे लोगों के पास इज्जत हो, सारे लोगों के पास सुरक्षा हो। और यही वजह है कि जो डीकोलोनाइजेशन से शुरू होती है और हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट से होते हुए और अभी जहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो हमने एक पूरी दुनिया के वॉइस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप देखें कि चीन जो है, बात तो रूल बेस्ड ऑर्डर की करता है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रैक्टिस में है रूल को कैसे वायलेट किया जाए डिसेप्शन के जरिए। वो क्लाउड बेस्ड जो है वो ऑर्डर की बात प्रैक्टिस में कर रहा है, वेस्ट रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन तमाम डेवलपिंग देशों में ये एक इम्प्रेशन आ गया है कि जो रूल ही है वही ऐसे रिग्ड है कि जिसकी वजह से वो दूसरे देश है वो सिर्फ कमोडिटी और मार्केट बन के रह गए हैं। तो इस लक्ष्य से देखा जाए कि जब खास करके वेस्ट जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक डायनेमिज्म और रेजिलियंस डाउट में हो गई है और चाइना की ओपेक अथॉरिटेरियनिज्म डोमिनेट कर रही है, तो दुनिया को लग रहा है कि नई दिशा, नई आवाज़ भारत की तरफ से आएगी। और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर को, रूल भी फेयर हो, ये नहीं कि हम रूल के हिसाब से चले, और उसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ निजी फायदा नहीं है, मैं कहूँगा कि हम अपने इंटरेस्ट को दुनिया के दूसरे देशों के साथ सैनिटाइज कर रहे हैं और एक बेहतर दुनिया की उम्मीद कर रहे हैं और बेहतर दुनिया का सपना भी दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं। बेहतर दुनिया की हकीकत में भी बदल सकते और बेहतर दुनिया का सपना दिखाता भारत। और ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत कौन सा निर्णय लेता है, भारत के संबंधों का असर क्या होता है। चर्चा जारी रहेगी, आप सब हमारे साथ बने रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।